140 एकड़ जमीन 450 करोड़ रुपए में बांकेवाड़े देने का काम जो ये इतनी बड़ी कंपनियों को कर रहे हैं, तो हमारा देश तो फिर से गुलाम हो जाएगा। महिलाओं ने भी ये ठाना है कि जब तक ये 3 काले कानून वापिस नहीं होंगे, हम किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। कभी कहते हैं कि हम 15 लाख खाते में लेकर के आएंगे, कभी कहते हैं कि किसान की आय दुगनी करेंगे, कभी कहते हैं 75% हम नौजवान को नौकरी देंगे। हर मुद्दे पर सरकार फेल है और किसी भी प्रकार से हमारा कोई भी वर्ग आज इस सरकार से खुश नहीं है कि सरकार में बैठे लोग जनता के नौकर हैं। जी नमस्कार, मैं नरवाना की आवाज़ से वीरेंद्र शर्मा बात कर रहा हूं और मैं आज नरवाना हलके के दमतान गांव में पहुंचा हूं और यहां पे अभय सिंह चौटाला जी पहुंचे हैं और यहां की जो मुद्दे हैं आजकल 3 कानून को लेकर बहुत बड़ा मुद्दे बने हुए हैं, जगह जगह पर धरने प्रदर्शन चले हुए हैं, लेकिन आज हम महिलाओं से ही बात करेंगे कि दमतान गाँव के अंदर बैठे हैं तो महिलाएँ से बात करेंगे उनके मुद्दे क्या क्या हैं और किस विषय पर आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जी सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुमित्रा देवी है। क्या कहना चाहोगे आज के मुद्दे के बारे में? आज का मुद्दा ये तो हर रोज़ का ही चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए लोगों के बीच में साथ साथ आप घूम रहे हो और आवाज़ बुलंद कर रहे हो, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो मुद्दा है ये किसानों का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, क्योंकि ग्रामीण अंचल में बसने वाला जो भी किसान है, कर्मचारी है, व्यापारी है, इस प्रकार दुखी है कि सरकार ने एक किसान वर्ग ऐसा था जो मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता था, इस देश और प्रदेश का भरण पोषण करता था। यदि किसान दुखी है तो देश दुखी है, किसान बचेगा देश बचेगा, किसान की खुशहाली है तो आपने देखा भी होगा कि किसान खुशहाल है तो बाज़ार में खुशहाली है। अगर फसल एक बार थोड़ी सी कम होती है तो हमारे बाज़ारों की रौनक चली जाती है, तो इसका मतलब ये सही है भी किसान के घर में रौनक है तो हर जगह रौनक है। आज किसान तराई तराई मचाए हुए हैं, लेकिन ये गुंगी बहरी सरकार किसी भी प्रकार से हमारे किसान की सुध लेने में आज तक नाकामयाब है। लेकिन हमें महिलाओं ने भी ये ठाना है कि जब तक ये 3 काले कानून वापिस नहीं होंगे, हम किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि परम आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दे करके, क्योंकि आज कोई मेंबरशिप को भी त्यागने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने किसानों के लिए जो इस्तीफा दिया है ये साबित किया है कि परम सरदे चौधरी देवीलाल जी का जो त्याग था, जो किसानों के प्रति, जो आम जनता को जगाने का काम वो करते थे, सेम उसी प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी किसानों को जागरूक करने में, उनका साथ देने में दिन रात प्रयासरत हैं। और हम सब मिल करके जो भी किसानों को दुख तकलीफ है उसके लिए गांव-गांव जा रहे हैं, धरने जुलूस प्रदर्शन कर रहे हैं, और तब तक किसी प्रकार से वापस नहीं हटेंगे जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे। इन कानूनों से भी पहले इस सरकार ने हमारी महिलाओं पर बहुत मार मारी है, नोटबंदी का नाम लेकर के इन्होंने एक बात कही कि नोटबंदी से देश को फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? हमारी माताएँ बहनें बेचारी, अपनी बेटी कहीं बाहर से, आदमी बाहर गया है, बेटी आ गई, थोड़ा बहुत उसके पास होता था, वो भी नोटबंदी के नाम से इन्होंने माताओं बहनों की जो अपनी दरोड़ थी वो भी निकलवा ली। आज यदि बेटी आती है और माँ के पास पैसा नहीं है तो हमारे समाज की जो रीति रिवाज हैं उसमें हमें बड़ा ठगासा महसूस होता है। इस प्रकार से कभी कहते हैं कि हम 15 लाख खाते में लेकर के आएंगे, कभी कहते हैं कि किसान की आय दुगनी करेंगे, कभी कहते हैं 75% हम नौजवान को नौकरी देंगे। हर मुद्दे पर सरकार फेल है और किसी भी प्रकार से हमारा कोई भी वर्ग आज इस सरकार से खुश नहीं है। और इस सरकार से हम कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं और साथ साथ चेतावनी देते हैं, यदि इस सरकार ने इन काले कानूनों को वापस लेकर के दुकानदार, कर्मचारी, व्यापारी और किसान का भला सोचने का काम नहीं किया तो ये आंदोलन हर रोज़ और बढ़ता रहेगा और हम सब मिल करके इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। और हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल किसानों की हितैषी पार्टी है, सदा चौधरी देवीलाल जी ने किसानों के लिए संघर्ष किया, नौजवानों के लिए संघर्ष किया, छोटे दुकानदार, व्यापारी, कर्मचारी के लिए संघर्ष किया, आम जनता को आगे ले जाने
जाने के लिए परमेश्वर देव चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी संघर्ष करके इनको जगाने का काम किया। और ये बताया, यदि किसी ने ये बताया कि सरकार में बैठे लोग जनता के नौकर हैं, तो वो परम सरदे चौधरी देवीलाल जी हैं। चाहे उन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चौटाला साहब ने किया हो, या गांव में चौपाल लगा करके प्रशासन को बिठा करके चौधरी देवीलाल जी ने ये काम किया हो। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके आज आप देख रहे हैं, कहीं हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, कहीं चैनें छीनी जाती हैं, कहीं पर भी हमारी माताएँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं। तो ये सरकार जो आज ढकोसले करके, इससे झूठी सरकार हमने कहीं नहीं देखी है। जहां बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की बात है, जहां हमारी माताएं बहनें उम्मीद करती थी कि दारू के ठेके गांव से बाहर हो जाएंगे, ये दुष्यंत जी ने नारा दिया कि ताई इंद्रो दारू के ठेके गांव से बाहर होंगे। तो आज आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ कि घर घर में दारू के ठेके खुले हुए हैं, हर घर में बोतल पहुँचाने का काम उन्होंने किया है, ये महकमा उनके पास है। आज किसान दुखी है तो वो लोगों के बीच में नहीं आ सकते, वो तो कहते थे मैं ताऊ देवीलाल का दूसरा रूप हूँ। तो किस प्रकार से वो ताऊ देवीलाल का दूसरा रूप है? अगर वो ताऊ देवीलाल का थोड़ा सा भी उनमें कहीं भी असर होता तो वो कम से कम विधायक पद से ना सही, सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकते थे। जब सरकार हमारे अनुसार काम नहीं कर रही है, किसानों को सुविधा नहीं दे रही है, हर प्रकार से जनता त्राही त्राही मचाई हुई है, तो सरकार में बैठ करके जो लोग आज किसानों की बात करते हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि वो किसान को सपोर्ट ना करने की बजाय सरकार को किसान दुखी करने की सपोर्ट कर रहे हैं। और ये लगे हुए हैं कि सरकार बची रहे, लोगों को लूटते रहें, अपनी तिजोरियाँ भरते रहें। इस प्रकार की जो दोहरी मानसिकता इनकी है तो ये बिल्कुल गलत है। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि सरकार अपने इन काले कारनामों से बाज आए, किसान को जो काले कानून थोपने जा रही है उनको वापस ले, ताकि ये देश बचे, प्रदेश बचे, और हमारी नारी शक्ति जो अपने घर के काम काज छोड़ करके एक दिन हमारी महिला बाहर जाने में असमर्थ है, क्योंकि एक दिन कहीं बाहर जाते हैं तो घर के 100 काम ठप हो जाते हैं, लेकिन इस भ्रष्ट और गुंगी बैरी सरकार ने महिलाओं को भी मजबूर कर दिया कि छोटे छोटे बच्चों को या तो साथ लेकर बैठिए या घर में छोड़ करके जाते हैं। हमारे जो डांगर पशु, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, अपने घरों का काम करने में जिस प्रकार से हम असमर्थ हैं, हर रोज नए कानून थोपते हैं। कभी कहते हैं कि फ्लिपकार्ट से हमारा जो लेन देन होगा, 140 एकड़ जमीन 450 करोड़ रुपए में बांके बाड़े देने का काम जो ये इतनी बड़ी कंपनियों को कर रहे हैं, तो हमारा देश तो फिर से गुलाम हो जाएगा। तो भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसों की कुर्बानी, यदि उनको ये पता होता कि हमारे देश में ये काले अंग्रेज इस प्रकार पनपेंगे, तो जान तो सबको प्यारी होती है, वो क्यों अपनी जान गंवाते और क्यों इस देश को आज़ाद कराते, जब उनको ये पता था कि ये काले अंग्रेज भी देश को गुलाम बनाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से उन्हें यही कहना चाहूँगी कि वो अपनी हरकतों से बाज आएँ और इस देश और प्रदेश को बचाने की बात करें, ताकि इस देश में फिर से खुशहाली हो और इस देश प्रदेश में काले कानून वापस लेकर के किसान खुशहाल हो। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। तो आपने महिला का दर्द है जो सुना रही थी, और मैं एक बार कैमरामैन को बोलूँगा कि एक बार दिखाएं महिलाओं का जो जत्था है, वो बैठा है, पूरी पंचायत बोलेंगे इनको, एक बार देखेंगे, एक बार घर में बैठे हैं, पूरी पंचायत बैठी है, बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं, उनका जो दर्द है वो आपने देखा होगा कि किसान जो आंदोलन चला हुआ है वो महिलाएं भी भाग ले रही है उसके अंदर। तो एक बार दूसरी और महिलाओं से बात करेंगे हम। नमस्ते बेटा, क्या कहना चाहोगे जो अभी आज अभय सिंह चौटाला जी आए हैं, उनका क्या मकसद आने का, क्या कहना चाहोगे आप? उनका भाई मकसद यो है भी गांव गांव में जाकर ना अपना यो किसान आंदोलन का अपना संगठन मजबूत कर रहा है, और देख इस्तीफा इसका एमएलए का ही भाई वो अपना किसान का वो खोल दिया उती अस्पताल 40 बेड का खोल दिया भाई ओड सिंगू बॉर्डर पर, भाई 5000 बांट दिए पंखे उती। हाँ वही पर मैं खुद बांटने वाली हूँ, 2000 तो मैं बांट कर रही हूँ, 3 और बांटने हैं जाकर। अर भाई 5000 मच्छरदानी मंगा रखी है, 5000 पलंग मंगा रखे है, तो इतना भाई हमने तो वो प्यारा लगेगा, कोई मेमोरी का भी पद नहीं कोई त्यागदा, और इसने ओड बड़ा पद तय क्या करना, और देख किसाना का गांव गांव में जाकर संगठन मजबूत करन लागे। क्या नाम था जी आपका? मेरा सुदेश कंडेला। कहां से हो जी आप? कंडेला। धन्यवाद जी आपका। हम और महिलाओं से बात करेंगे, आ जाओ जी आप।
क्या कहेंगे जी आज के जो सभा हुई है, बैठक हुई है? वो आपको पता चल गया होगा, अभी आप महासभा में अपना महापंचायत देखी होगी, भी कितना जत्था था। लोग पता क्या सोच रहे, लोगों के ऊपर एक पट्टी बंधी हुई थी जेजेपी की, भी वो कितना अच्छा इंसान है, उसने अपनी औकात दिखाई दी, वो जेजेपी कितना घटिया इंसान है। और आज अबे जी का जो असली थी, वो जो कितने अच्छे इंसान है, उसने हर गरीब हमारे नारी शक्ति का उसने इतना मनोबल बढ़ाया है कि आज हमारा मन बहुत खुश हो गया। और इस चीज़ ने देख के जो हमारे जो मोदी सरकार ने काले कानून पास करे है, उन तक एक हमारा भाईचारा बन गया। और जो लोगों के बीच में अबे जी की एक गलत छाप हो रही थी, भी एक गलत काम करे, लेकिन आज इस बात का पता चल गया, अभी अजय खराब था और अबे बढ़िया था। और जेजेपी का जो गलत काम करे, जेजेपी ने किसानों के अंदर मारे भर गया कि पैर हाथ जोड़ा करता, मैंने वोट दे दो, मैंने जिता दो। आज हमने जिता भी दिया और उसने हमारा कुछ काम भी नहीं करा, ये मामला उनको ऊपर काटा मार दिया, भी तारा जेजेपी बीजेपी का तो नाम खत्म हरियाणा में। आने वाली सरकार ओम प्रकाश इसकी अबे सिंह की होगी, जो देवीलाल के बेटे उनकी होगी सरकार आने वाले समय में, ना तो उड्डा और ना और कोई सरकार, कोई भी आप पार्टी कोई भी सरकार नहीं होगी, हम सिर्फ अबे जी का, क्योंकि उसने नहीं किसानों का साथ दिया। मेन मुद्दा पता है क्या है, क्योंकि उसने किसानों के लिए जो अक्की लड़ाई, जो हमारी लड़ाई थी, जो क्योंकि किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया, देखना 1142 थे संसद में, सिर्फ एक बंदा ने इस्तीफा दिया सिर्फ किसानों खातर। और आपने भी इस पता चल गया, जो किसानों के साथ है वो हमारे सच्चे हमदर्द है, हम उसी के साथ हैं। कहीं ना कहीं आज जो सभा हुई है यहाँ पे राजनीति हुए या किसान आंदोलन के लिए? नहीं नहीं, ये राजनीति नहीं है, हम सिर्फ कंडेला से चल के सिर्फ महापंचायत किसानों की, और ये किसानों के बारे में कोई राजनीति, अभी वोट अभी तो पड़ दे को नहीं, 3.5 साल आने वाले टाइम में पता नहीं क्या बदलेगा क्या नहीं, सिर्फ हम किसानों का मुद्दा है। किसान पहले हमारे के काम है सिर्फ काले कानून रद्द करवाना, फिर आगे के आने वाले टाइम देखेगा भी क्या होगा क्या नहीं। हमने कोई राजनीति नहीं करी, ना हम कर दे, आने वाला टाइम बताओगा भी क्या होगा क्या नहीं, हमने इसका कोई मतलब नहीं। इस्तीफा देकर अगर इतनी साफ सुथरी राजनीति सब करें तो इस देश के तो 4 चांद लग जाए। अगर लोगों के लिए इस्तीफा देने के लिए ये विधायक और एमपी तैयार हो जाएं तो देश किसी भी सूरत में हमारा देश पीछे नहीं रहेगा। क्या कहना चाहोगे आप? मेरा नाम संतरो जागलान है, मैं कहना चाहूँगी जो किसान मजदूर के साथ है ना, वो हमारा इतिहासी है, निगम हमारा कोई कुछ नहीं लगता, हम उसके साथ हैं जो हमारा साथी है। और आज के दिन अब ऐसा भाई साहब है हमारा साथी, जनता का साथी, गरीब का, अमीर का, भूखे का, भिखारी का, सबका साथी आज के दिन अभी भाई साहब है और हम सब उसके साथ खड़े। 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, इसके बारे में क्या हम उनके लिए बहुत दर्द है हमारे मन में, जो हमारे चाचे ताऊ भाई भतीजे शहीद हो गए, और उसके लिए खट्टर या मोदी ने कुछ भी नहीं बोला आज तक कुछ भी, इसके लिए हम उनकी निंदा करते हैं। और गामों में आएगा तो उनको डड़े मारेंगे, पूछेंगे उन पर ये बात, भाई हमारे भाई भतीजे की कुर्बानी, और जब तक उनकी कुर्बानी हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम खड़े रहेंगे कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेंगे। जी जी, हाँ जी, दोबारा जुड़ते हैं हमसे। हाँ जी, क्या कहना बात बोलो, आप भी बोलो। हमारे काम 300 शहीद हो गए, वो भी किसी के बेटे हो गए, किसी के भाई हो गए, जिसका परिवार में एक कमाने वाला वो मर जाए है, जिसका लग गया उसे ना बेरा पटा है। और आज क्या करें, मोदी श्रीदेवी मर जाए, एक मिनट में ट्विटर पर बोलता है मैंने दुख जाहिर करा। और हमारे 300 शहीद हो गए, हमारे भाई बाबू सारे थे, वे हमारे भी कुछ लागे थे, वे शहीद हो गए, उनका बारे में कुछ भी नहीं, एक मिनट खट्टर ने नहीं बोला, मोदी ने नहीं बोला, क्या तो वे इंसान नहीं थे? इसलिए हमने सरकार पर बिल्कुल काटा साफ करा, जे जे पर बीजेपी का तो हमने बिल्कुल इस्तीफा कर दिया, उसका तो नाम खत्म कर दिया। धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के, निर्माणा की आवाज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।